हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू टिक्की। नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो मैंने नवरात्रि वे में ये आलू टिक्की बनाया है और बहुत ही क्रिस्पी और यमी बना है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। देखिए बहुत ही क्रिस्पी है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किया है कि कैसे आप क्रिस्पी बना सकते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है आलू। आलू को बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर दिया है, उसके साथ सेंधा नमक और साबूदाना का पाउडर, फिर जिंजर को कद्दूकस किया है, ग्रीन चिली को चॉप कर दिया है और थोड़ा सा मैंने पीनट को ड्राई रोस्ट करके उसको दरदरा करके कूट लिया है, और उसके साथ जीरा पाउडर, घी, पीनट ऑयल, फिर हमारा ब्लैक पेपर पाउडर और धनिया पत्ता। तो बॉइल्ड आलू में मैंने बाकी सारा इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने सेंधा नमक ऐड किया है क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो ये नवरात्रि में आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। और इसमें मैंने सिंगदाना थोड़ा ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा करके ऐसे कूट लिया है तो एक बाइट आएगा इसमें। और इसके साथ मैंने लिया है साबूदाने का पाउडर, क्योंकि मेरे पास ये कुट्टू का आटा या व्रत का आटा नहीं था और यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था, तो साबूदाना तो यूज ही करते हैं नवरात्रि में, तो मैंने सोचा कि ये कॉर्नफ्लोर के बदले या फिर राइस फ्लोर के बदले हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो एक बाइंड सा आएगा, एक क्रिस्पीपन आएगा इसमें। और अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। एक्चुअली सेंधा नमक भी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं नवरात्रि में, क्योंकि विदाउट सेंधा नमक तो नवरात्रि में कुछ भी नमकीन वाला रेसिपी बन ही नहीं सकता। फिर ऐसे ही फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसने बोला कि मेरे पास है, उसका नाम शिल्पी है, सो थैंक्स टू यू डियर। फिर बाद में मैंने जब ये नमक देखा तो मुझे पता चला अरे ये तो मिल रहा था, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो क्लियर कट हो गया। ये देखिए अब अच्छे से मिला दिया हमने। पता है फ्रेंड्स, ये मैंने नवरात्रि के टाइम पे ही एक फ्रेंड का फेयरवेल था उस टाइम बनाया था। हाथ में मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है और ऐसे डंपलिंग लेके हम लोग ऐसे टिक्की बना देंगे। थोड़ा सा मैं पतला कर रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी बनेगा। थोड़ा सा तेल हाथ से लगा देने से ये आलू भी नहीं चिपकेगा हमारे हाथ में। देखिए इस तरह से। और अब हमारा तवा गरम हो गया है। मैं यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने घी ऐड किया और पीनट ऑयल भी ऐड किया है, क्योंकि पीनट इसमें यूज किया है तो मैंने पीनट ऑयल ही यूज कर दिया। और घी थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने यूज किया है, घी का अलग ही खुशबू रहता है फ्रेंड्स। और अब इसको हम लोग दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना मस्त कलर आया है अभी इसमें। फिर दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी कर देंगे। वाओ, ये एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था नवरात्रि के टाइम पे बनाया था, तो कुछ कुछ लोग मतलब ऐसे जैसे नवरात्रि में खाते हैं सेंधा नमक वो सब यूज करते हैं, तो स्टार्टर में जो मेरा रेसिपी था वो नवरात्रि के रिलेटेड नहीं था, तो मैंने एक फ्रेंड के हस्बैंड के लिए बनाया था आलू टिक्की, तो मैंने उनके लिए थोड़ा ही बनाया था, तो क्या हुआ सबको वही आलू टिक्की चाहिए था, तभी मुझे लगा अरे वाह ये तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसका तो एक वीडियो बनता ही है, तो मैंने ये बनाया आज।